रोडों पे मंत्री थे, रोडों पे मंत्री थे, वो रोड पे आ गए, रोड पे आके विकास की बात कर रहे। और जो मामा यहाँ के कई बार सांसद थे, 18 बार मुख्यमंत्री रहे, और इसके बाद भी विकास की बात कर रहे हैं, तो इससे आप कल्पना करो कि जब ये लोग रोड पे आ गए, मामा ना भैया, अब क्या विकास करेंगे। ये बात मुझे तो जनता के बीच में देखा था, क्या आप जब मंत्री थे तब आपने विकास क्यों नहीं किया, आप मुख्यमंत्री थे तब आपने विकास क्यों नहीं किया, आप विधायक थे तब आपने विकास क्यों नहीं किया, आप सांसद थे तब आपने विकास क्यों नहीं किया। अब आज जब आप दोनों माफिए थे, एक विधायक नहीं, एक को मुख्यमंत्री दर्जा दिया गया, अब उसको क्या मिलेगा, सब लोग जानते हैं क्षेत्र वाले। जब मोदी जी ने कहीं लाइन पे आने देने की स्थिति में है तो वो पटरी पे आ जाए, जब वो खुद पटरी पे नहीं आ रहे तो अपने क्षेत्र के माध्यम पटरी पे लाएंगे। इन सब बातों को लेकिन अपने को लेकर जनता के बीच में जाना कि जब दोनों भाई, मामा और भैया दोनों पटरी पर है तो हमारे क्षेत्र को कभी पटरी पर नहीं आ सकते। साथ ही अपने विधानसभा की कहे गए, जिले की कहे, एक भी कोई उपलब्धि ये बता दें कि हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल लेके आए क्या, रायसेन जिले में मेडिकल कॉलेज लेके आए क्या, सांसद सुषमा स्वराज जी को धूमधाम से उद्घाटन किया कि रेलवे लाइन आ रही, जगह जगह स्टेशनों के नाम दे दिए गए, बोले रायसेन से चलेगी भोपाल से तो खरवई पर स्टेशन बनेगी, फिर रायसेन में बनेगी, फिर नरवर में बनेगी, फिर नकतरा में बनेगी, फिर कटेरा में बनेगी, फिर सरसोदा में बनेगी, फिर किशनपुर में बनेगी, फिर देगांव आएगी, देगांव से फिर जेतगांव आएगी, जेतगांव से बेलगांव आएगी, सीतापार आएगी, बमोरी आएगी, बमोरी से खुदरई आएगी, रटनी आएगी, रामपुरा आएगी, कीरतपुर आएगी, फिर साईगढ़ आएगी, फिर तिलवारी आएगी, फिर यहाँ से फिर मुंडा आएगी, चिचोली से होते हुए जनजन पर यहाँ से प्रतापगढ़ तो झूठी घोषणाओं में ढिंढोरा पीटने वाले लोग मैदान में, और एक हमारे बीच हम सबके बड़े जिनने जब भी जो कहा है, जो बात की है, उस वादे को हमेशा निभाने का काम किया है। आज आप जब भी जो वादा करेंगे उस वायदे को जरूर पूरा किया जाएगा। इसका हम सब आप सबको विश्वास दिलाते हैं, और ये विश्वास आपको जनता के बीच में जाकर पैदा करना है कि हमारे सांसद प्रताप बहादुर शर्मा जी बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का सही विकास होगा। आज एक भी उपलब्धि रामपाल सिंह जी या शिवराज सिंह जी की हमारे विधानसभा में नहीं है। क्या कोई डैम बनवा पाए हमारे बिलवानी क्षेत्र में, क्या कोई अस्पताल है तो क्या डॉक्टर वहां पर लेके आ पाए क्या। आज जहां देखो परेशानियों का सबब है, साल सेमरा खास का डैम आप देख लीजिए, पूरी नहरें टूटी पड़ी है, साला भरू का डैम देख लीजिए, पूरी नहरें टूटी पड़ी, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता, हमारे आदिवासी भाइयों को। नकपुरा नगरी का डैम देख लीजिए, ठीक तक पानी आ गया, एक के ऊपर ही पानी पकड़ जाता है पूरा, कहीं कोई नहरों का लाभ नहीं मिलता, पूरे पठार आप चले जाओ, पानी की कोई पेशेंट की व्यवस्था नहीं है। भैया पीएचई के भी मंत्री रहिए, रोड के भी मंत्री रहिए, तहसील के भी मंत्री दे रही है, लेकिन कहीं कोई इनकी उपलब्धि वहां पर नहीं। और कौन फरमा जी, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पहले आए बमोरी, लावली बहना का कार्यक्रम किया, उद्घाटन में तो शिवराज सिंह जी को वो मंच लगा देते हैं, तो कैटवाक करते ना, वो ऐसा तो कैटवाक करते हुए जाते हैं। भैया पीछे तो मामा उसके तहत पमोरी बना रही है, हमारे आदिवा का वीडियो तो पीछे से भैया भैया तहसील की घोषणा कर दो, मामा जी के तहत तहसील हुई थी पमोरी, फिर मैं पीछे के साथ नगर पंचायत होकर जैसे नगर पंचायत की तरफ, फिर के साथ सुल्तानगंज होकर के साथ सुल्तानगंज भी करेंगे, जो मामलों को देंगे घोषणा हो गई। फिर आया विधानसभा का चुनाव, आचार संहिता लगने को थी, दो चार दिन बाकी थे, तो एसडीएम वगैरह को दो चार भाजपा के लोगों को बमोरी पहुंचाया गया,
नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार का कारण है, वहां बैठे और ग्राम पंचायत के 10-5 लोगों को बुलाया गया, एक इलेक्शन कराया गया, बाकायदा वहां पूजन करके नरियल बोला गया कि बोले आए थे तहसील बमोरी यहाँ पर तुम की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चुनाव के 2 महीने पहले का नाम थे पूजन हुई, नवंबर में चुनाव हुआ, वो सितंबर की लगभग की बात, सितंबर से लेकर अप्रैल चल रहा 6-7 महीने होने को, ना तहसील का पता है, ना तहसीलदार का पता, ना सुल्तानगंज में पता है, ना बगोरी में पता, ना नगर पंचायत का पता। वोट और नगर पंचायत को तो वोट नोटिफिकेशन आता हो, उसमें लिखा नगर पंचायत बमोरी कुडाली और बिलारी को मिलाकर बनाई गई है, लेकिन अगले पंचायत चुनाव तब तक ना हो, तब तक चुनाव नहीं हो, 4 साल बाद नगर पंचायत सूचित कर दी गई, लेकिन चुनाव हो गए जब पंचायत राज्य मतलब कार्यकाल समाप्त होने के बाद ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर देते।